भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन तो दिया कि हाँ हो जाइए रिटायर्ड, लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का वक्त नजदीक आया उनके तेवर भी बदल गए और अब वो पूर्व अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोहनलाल कैच जी, रिटायर्ड SSP, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या यही वजह थी आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरने की कि एक पार्टी आपको, आपने जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा कि रिटायरमेंट लीजिए, चुनाव लड़वाइए? सूर्य साहब, ये बिल्कुल सही बात है, बट ये है कि मैं, जहाँ तक भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि अगर ये किसी मर के एजुकेटेड बंदे को टिकट देते, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरे बेसिकली, मैं तो इलेक्शन अपने लोगों के सर पे लड़ रहा हूँ। अगर ये किसी पढ़े लिखे बंदे को टिकट दे देते तो मुझे लगता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सारे लोग उसके साथ चल के तो उसको सपोर्ट कर देते। प्रॉब्लम ये कब खड़ी हुई जब इन्होंने 8th पास बंदे को मैंडेट दे दिया। कोई बंदा जहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं, आप किसी की आत्मा दिल से उठ के पूछिए क्या आप सुरेंद्र को अपना लीडर मानने को तैयार हो? जितनी आप देखिए, मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू से छठी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल मुझे लगता है थोड़ा सा दूर बॉर्डर पे खड़े हैं, अब गई सोच चले 10-15 मिनट में आप सिटी पहुंच जाएंगे। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि पार्टी वालों ने एक टेकन फॉर ग्रंडर, जिसको हम बोलते हैं, बोलिया कि जी हम बंदा जो मर्जी भेजने को जिता के भेज देंगे, जो को लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ पर भाजपा का ठप्पा लगा तो वो जीत गया। जी, वही बात थी। अदरवाइज आप देखें, जो हमारी 7 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें से कैंडिडेट देखें, सबकी क्वालिफिकेशन क्या है। मड़ को इन्होंने क्यों इतना डिग्रेडेड समझा कि जी मड़ को हम जो भी करेंगे तो जीत जाएगा, तो वो ठप्पे वाली बात ही है। तो मुझे लगता है कि अभी ठप्पा जो चलने वाला नहीं है वो आपके सामने ही है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से आपको वादा किया था? क्या ये जो आपके दो तीन महीने जो रिटायरमेंट के रहते तब किया था या उससे पहले किया था? ये तो वो 2 साल से मेरी बात चल रही थी। अच्छा, जब ये डिलिमिटेशन के बाद, पहले जब ये रोटेशन का मसला चल रहा था, पहले तो हम उसी में थे कि भाई रोटेशन होती है, कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी नहीं होती है। जैसे रिजर्व हुई, जैसे रिजर्व हुई उसके बाद तो ये डिसाइड हो गया, उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि इन्होंने सर्वे भी करवाए, एक बार नहीं बहुत बार सर्वे करवाए। अच्छा, हाँ सर्वे करवाए, जिसमें से इन्होंने मुझे ये खुद ही बोला किसी जूनियर इन्होंने, उन्होंने कहा जी सर्वे में हमारे पास कैटेगरी के वहाँ पे कोई लीडर नहीं है, लिहाजा आप नौकरी के लिए VRS कर दो। ये तो मेरे पीछे पड़े थे, मैं बेई में छोड़ दूँ, तो ये मसला है। इसलिए उसके बाद जब ये नहीं हुआ मेरा मैंडेट, तो बाकी ये जो रिजल्ट है आप सारी दुनिया देख रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, जिंदाबाद, ये आप ही के लिए सब हो रहा है। ठीक है, एक बार सुन ले ना, सुन ले, हमारा दुख है वो, वही वही हम यही दुख जानने के तो आए यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया या फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि उनमें से दो में से एक को चुनना पड़ा? देखिए, वो चुनना तो मेरे को नहीं लगता कि क्या इनकी मजबूरी रही होगी। अगर ये नहीं चुनना चाहते थे मुझे, फिर कोई एजुकेटेड बंदा चुन लेते ना, वो 8th पास ही क्यों चुनते? मैं इस पे हूँ कि अगर ये किसी और बड़े एजुकेटेड लोग थे, जो हमारे MLA साहब ने पैनल भेजा, मुझे पैनल पता है, उसमें एक रमन भगत था, वो भी ग्रेजुएट लड़का था, हमारा जो BDC था, चलो 12th था, ग्रेजुएट नहीं था, 12th था, 8th तो नहीं था, बंद्रा कुमारी थी, वो पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है, BEd की है, उसको दे देते, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें से। बट किसी पढ़े लिखे लोग को देते, किसी बंदे को देते जो असेंबली में मारी जाके बात तो करता। आप देखें कि 8th पास बंदे का क्या एक्सपोजर रहता है, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, नहीं मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी था तो आपसे बड़े बार बात होती रहती थी। आप मुझे बताएं कि 8th पास बच्चा जो लड़का है, ये क्या हमारी इशू उठा सकता है असेंबली में? हमें इससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि कौन से हमारे लिए स्कीम लाएगा, क्या नशा मुक्त करेगा, कौन से ये बच्चों के लिए कोई बना लेगा, इसको खुद पता नहीं वो क्या करवा लेगा। लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त है, एक जिनका आप नाम ले रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ सुखनंदन जी यहाँ से जीते थे जब ये रिजर्व नहीं थी, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री कांग्रेस के मुल्ला राम जी, और आप हैं आजाद। सूर्य साहब, ऐसा है कोई कैडर नहीं चल रहा। अच्छा, कैडर सारा हमारे साथ, आप पता करवाए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके देखता रहता हूँ, बात करता हूँ आपको, आप पता करवा लें। ये हमारे जो है सरदार हरजीत सिंह जी, शक्ति शर्मा जी, 50-50 साल इन्होंने पार्टी को दिए हैं, पार्टी के साथ हैं। हमारे अभी श्यामलाल शर्मा जी थे, हमारे सरपंच लालचंद चौधरी जी हैं, लाल सिंह चौधरी जी हैं, 6 साल सरपंचों को हम उधरी आज बोला कि छोटी मीटिंग है, हम बाद में आपको। सब भारतीय जनता पार्टी के? क्या बिल्कुल सारे भारतीय जनता पार्टी के, मतलब आपने पार्टी के अंदर ही सेंध लगा दी? नहीं, सेंध नहीं है, लोगों का रोष है।
लोग बेसिकली कोई पार्टी को कहते हैं जी बेसिकली गलत डिसीजन है, हम डिसीजन के खिलाफ हैं। जो पार्टी का डिसीजन है, देखिए मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है हमको जीतने के बाद क्या फैसला करेंगे वो हमारे जो सीनियर बंदे हैं वो डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है। अच्छा सर, जब लोगों से आप मिलते हैं तो किस तरह के मुद्दे होते हैं, यूथ किस तरह से आपको अपनी समस्याएं बताता है? और दूसरा चिट्टी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलबाला, खासकर ये बॉर्डर एरिया यहीं से आता जाता है। सूर्या साहब, ऐसा है कि मैं इसी चट्टा गुजरा से पढ़ा लिखा हूँ। मैं 82 में मठ से मैट्रिक की, 84 में मैंने दमाना से ट्वेल्थ की। मुझे कोई इशू ऐसा नहीं है जो इन बच्चों का, इन लोगों का नहीं जानता। क्या इनकी गरीबी है, क्या इनकी अमीरी है, मुझसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैंने गरीबी भी देखी है तो नॉर्मल लाइफ भी देखी है, मिडिल क्लास लाइफ भी देखी है। मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे इशू ऐसे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो एरिया के बच्चे, आप देखें कि हमारा जो रोजी रोटी थी वो आर्मी पे थी या पुलिस पे थी। आप हमारा निकाल लें प्रोफाइल हमारी, देखिए मैक्सिमम जो हमारे बच्चे हैं या तो आर्मी में जाते हैं, अगर आर्मी में जाते तो पुलिस में जाते हैं। आप देखें कि 2018 के बाद बॉर्डर पुलिस की भर्ती की, जिसमें से जो मेरिट मुझे अभी तक ज़्यादा 97.3, मेरी कंस्टिट्यूंसी के 3 बजे भी नहीं लगे। कठुआ से स्टार्ट किया पूंछ तक लेके बॉर्डर, मुझे तो बात करनी थी मढ़ की। मुझे ये कहना है, अभी इसके ऊपर हम असेंबली में भी ये जाके रोड शो करेंगे कि हमारा जो मेरिट है बॉर्डर की बेल्ट का वो कम होना चाहिए। देखिए कठुआ का जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती होती थी, कठुआ का मेरिट तब भी हमसे बहुत ज़्यादा जाता था एजुकेशन के हिसाब से। अभी हमने क्या किया कि हमारे बच्चे आ नहीं रहे उसमें, एजुकेशन का मैंने बता दिया। दो ही रीज़न थे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के, हमारे दो ही रीज़न है, अग्निवीर कर दिया, अग्निवीर में कोई बच्चा जाने को तैयार नहीं है 4 साल के बाद। अग्निवीर मुद्दा है, बात करते हैं, सारे बच्चे अग्निवीर वाले हैं तो दौड़ते रहते थे ग्राउंड्स में इधर। देखिए अग्निवीर की समस्या क्या है, एक बच्चा 18 साल का है, उसको आप ले रहे हो आर्मी में भर्ती करने। देखिए मैं डिसिप्लिन फोर्स का बन गया, 1 साल तो मेरी ट्रेनिंग हो गई इसमें कोई राय नहीं, 1 साल मेरा प्रैक्टिकल हो गया, मुझे काम सीखना है, 2 साल मेरे बीत गए, मुझे 2 साल नौकरी करनी। मैं आप कह रहे 2 साल परसेंटेज बढ़ा दी है कि अब इतने परसेंट ले लेंगे वो परमानेंट हो जाएगा, वो कौन देखेगा कि एक बच्चा गया पहले आर्मी में उसको 15-20 लाख दिया। चिट्टे को लेकर ये इशू है, ये बहुत गंभीर समस्या है हमारी, ये इसके लिए हमको गवर्नमेंट लेवल पर एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि चिट्टा हमें नशा मुक्त जो है मार्ग बनाना है। क्योंकि यूनिफॉर्म में आपसे आपको मालूम है किस तरह से ये सर्कुलेट होता है, किस तरह बांटा जाता है, अब आप खादी में आ रहे हैं, इसके लिए मेहनत करने की बहुत जरूरत है। और ये जो जितना जूथ खड़ा है, अभी हम सारे बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ले जाएंगे, कुछ ऐसी स्कीम्स लाएंगे मढ़ के लिए, जो बच्चे हमारे जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये हम हरियाणा मढ़ को हरियाणा की तर्ज पे लेके बच्चे हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाएं, ये मढ़ का नाम रोशन करें, वहाँ से मेडल लाएं, और कल को ये आपको रहेगा कि बेसिकली कोई ना कोई लीड देने वाला बंदा आया उसके मुताबिक हम चलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया MLA साहब, क्या मदद कर रहे हैं? सारी दुनिया मेरी मदद कर रही है, फिर भी कर रहे हैं कि नहीं पूर्व? नहीं, देखो उसके ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारे लोग ही मेरे हैं। आशीर्वाद तो मिला? नहीं, देखिए मिला नहीं। देखो आशीर्वाद का क्या है, इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मेरे लिए करना, क्योंकि ये इतने लोग हैं जहाँ पे, ये सारे ही चौधरी सुखरंदर। अच्छा, ये सारे लोग जो है ये चौधरी सुखरंदर के ही वोटर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने जिनसे पूछना है उन्हीं से पूछना है, फिलहाल हम उनसे पूछ लेंगे, कोई टेंशन ना लो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आगे भी जाना है। तो कुल मिलाकर ये है कि जिन्होंने रिकमेंड किया था नाम पार्टी के आगे, पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और फिर कैद साहब ने डिसाइड किया कि मैं आज़ाद के तौर पर लड़ूंगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने दगा दिया है या फिर जीत की रणनीति के तहत ये नाम काटा है? और दूसरा ये कि सब कह रहे हैं कि हम सुखनंदन हैं, तो सवाल ये है कि खुलकर समर्थन करेंगे या फिर इनके जरिए जितवाएंगे? और एक आखिरी सवाल, जीत कर कहाँ जाएंगे? ये सारी मेरी पब्लिक डिसाइड करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।